पत्र बोला है कि हम अपना फर्ज दुरुस्त तरीके से निभा रहे हैं, इसलिए इसे इतनी तकलीफ हो रही है। इसीलिए आज हमारी आवाज कुचलने के लिए किस किस तरह के अरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मेरे बलोचो, मैं आज आप सबसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या हमारे मुतालिबात इतने मुश्किल और गैर जमीनी थे कि वो हल हो न सके। आखिर हमारे मुतालिबात क्या थे? बस यही कि बलोचों को इंसान समझा जाए, बस यही कि उनको इंसानी हकूक दिए जाए, जो उनको जान और माल की तहफूज दी जाए, बलोचों को अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए अदालत और कचहरियों का हक दिया जाए। यानी हम कोई सोना चांदी नहीं चाहते, हम सिर्फ और सिर्फ एक बराबर के इंसान होने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। क्या बलोचों को इंसान समझना और इनके साथ इंसान जैसा सलूक रखना इतना मुश्किल है कि फौज, अदलिया, इंसानिया, मीडिया एक साथ में खड़े होकर हमारे खिलाफ बाकायदा मुहिम शुरू कर चुके हैं और पूरी ईडी चोटी का जोर लगाकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप बैरूनी मुल्कों के एजेंट हैं। जितनी कोशिश उन्होंने हमें झुठलाने में करती, अगर इससे आधी कोशिश वो हमारे मसाइल को हल करने के लिए करते तो शायद आज हमारे मसले हल की जानिब जाते। लेकिन वो बलोचों को इंसान ही नहीं समझते, वो कॉलोनी समझते हैं और वो ये बलूचिस्तान और उसके साइल और वसाइल किसी भी कीमत पर हत्याना चाहते हैं और इसके लिए चाहे उन्हें बलोचों की लाशों की अंबार भी लगाने पड़े। इसलिए हम इसका सुना नहीं दिया, रोड़ों पर घसीटा गया। इस्लामाबाद में न सिर्फ हमारी माओ और बहनों की नहीं बल्कि बलोच कौम के सर से इज्जत का चादर, और हमें अफवाह से कोई उम्मीद नहीं है। इसलिए कि हम अपने बलोचों के पास आए हैं क्योंकि आप सबको समझाने के लिए भलाई की जरूरत नहीं है। आप सब रोज बरोज अपनी आंखों से बलूचिस्तान में जारी नस्लकुशी देख रहे हैं। इसलिए क्या आप पर रियासत के प्रोपेगेंडा का असर नहीं हो रहा? यहाँ पर मौजूद हर एक का कोई भाई, रिश्तेदार, हमसाया, कोई ना कोई अभी तक ये लापता किया गया है या गायब किया गया है। सब इस दर्द से वाकिफ हैं, सब इस तकलीफ दामन से गुजर चुके हैं। इसलिए मैं कहती हूँ कि बलोची बलोच का दर्द समझ सकता है और बलोची बलोच के इस दर्द का मुदावा कर सकता है। इसलिए आओ मेरे बलोचो, हमारा साथ दो इस जुल्म के निजाम को तोड़ने में। आज से सदियों पहले एक सम्मी अपनी इज्जत की खातिर तोता के पास गई थी और तोता ने अपनी जान सम्मी की इज्जत की हिफाजत करने पर कुर्बान कर दी। मेरे रक्त के बलोच तोता